Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज उस टॉपिक का नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो एक बार के लिए नेट को साइड में हटा दो. वैसे नेट का मैं मतलब बता दूं, जब भी नेट अगर किसी के सामने आ रहा है तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होएगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होएगा. पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि आप भी सरकार को टैक्स देते हो तो क्या आप मानोगे? आप कहोगे अरे सर क्यों मजे ले रहे हो गरीबी में, हम स्कूल में पेटीज खाते हैं, पॉकेट मनी से काम चला रहे हैं, पार्ले जी खा खा के काम चलाना पड़ रहा है, क्यों मजे ले रहे हो? तो बेटा वो पार्ले जी पे ही तो आप टैक्स दे रहे हो. बोलोगे सर पार्ले जी पे भी हम टैक्स दे रहे हैं. हाँ बेटा, अगर ये जो आपने पार्ले जी खरीदा ना 10 रुपए का, तो इस पे आप 5% टैक्स देते हो सरकार को, 50 पैसे. और ये जो टैक्स होता है इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. मैं अगर आपको और क्लैरिटी में समझाऊं तो बेटा दो तरीके के टैक्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बेटा जो आपके मम्मी पापा या आपके कोई गार्जियन, जो अगर उनकी इनकम एक लेवल के ऊपर है तो सरकार उनसे डायरेक्टली वो टैक्स वसूलती है हक के साथ कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा. और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है बेटा जो आप और मेरे जैसे गरीब लोगों से सरकार इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू वो टैक्स को सरकार हमसे चूस लेती है, वो होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स. तो आइए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस विच आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंडिविजुअल पेयर्स लाइक योर गार्जियंस, योर फादर, योर मदर एक्सेट्रा. What is the example of indirect tax? GST, goods and service tax, ये आप सबने सुना होगा. अब बेटा अगर ये जो पार्ले जी आपने खाया 10 रुपए का, अगर इस पे टैक्स नहीं होता तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? बोले सर केवल 9.5 रुपए. तो बेटा इस टैक्स ने किया क्या, आपकी जो पार्ले जी की प्राइस थी उसको बढ़ा दिया. सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इनडायरेक्ट टैक्स आई होप आपको एकदम क्लियर होगा. अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो बच्चों ये फोटो देख के आपको समझ आ गया होगा कि सर ये एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे एकदम बंजर जमीन है, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, ये लोग भी एकदम अपना काम चलाने वाले लग रहे हैं, सर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है. और बेटा आप कभी कभार पॉलिटिकल डिबेट भी देखते होंगे तो आप सुनते होंगे कि सरकार ने अडानी को 1 रुपए गज में जमीन दी, अंबानी को 10 रुपए गज में जमीन दी. फिर अडानी आके कहता है बोले पिछली वाली सरकार ने तो 10 पैसे रुपए में ही जमीन दी थी. तो बेटा सरकार क्या कहती है, जो अडानी अंबानी जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनको सरकार कहती है कि आप ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाओ और वहां पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करो. तो इससे क्या होगा बेटा कि ये जो जनरल पीपल है इनका जनरल वेलफेयर होगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और इन लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा. सो सरकार एक तरीके से हमको इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कि कम सस्ते में जमीन देती है, ये सब देती है. इसको बेटा हम बोलते हैं सब्सिडी. सो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर. फर्म्स को तो बेटा जैसे अडानी वालों को दी 1 रुपए गज में जमीन कि आइए यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कीजिए, और हाउसहोल्ड्स को हम जैसे लोगों को सब्सिडी देती है सरकार, गैस पे सब्सिडी दी दी और कोई छूट दे दी, वो सब किसके पर्पज से, विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर. और बेटा ये सब्सिडी क्या करती है, अगर मान लो यहाँ पे मैगी की फैक्ट्री लग रही है, अभी मैगी आती है 12 रुपए की, सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दी, तो हो सकता है बेटा मैगी आपकी 11 रुपए की आई, तो 12 से 11 ये आपकी सब्सिडी आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको कम करती है. सो दीज सब्सिडीज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. हमने देख लिया इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब्सिडी क्या है, आप देख लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपको याद रखना है फॉर्मूला. व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट का मतलब मैंने बताया था कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस योर सब्सिडीज. तो जो वापस से हम चलते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल पे, हम पार्ले की बिस्किट खाने की बात कर रहे थे कि आपने 10 रुपए दिए. तो बेटा ये जो 10 रुपए का आपने पार्ले जी खरीदा, तो ये 10 रुपए क्या है? बोले क्या है क्या सर, एमआरपी है उसकी. एग्जैक्टली दैट 10 रुपीज इज द मार्केट प्राइस. और हमने देखा कि इसमें 5% का जीएसटी था,
तो 50 पैसे बोले सर वो इनडायरेक्ट टैक्स था इसके ऊपर, बोले ओके बेटा वो भी समझ आ गया। तो 10 में से 50 पैसे अगर माइनस कर दूं, अगर उसमें टैक्स नहीं होता तो आपको देने पड़ते 9.5 रुपए। तो वो 9.5 रुपए क्या है? बोले हाँ सर वो क्या चीज है बेटा, वो है आपकी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम है, यानी कि जो पार्ले जी की कंपनी को जो असल में रुपए मिलेंगे वो होंगे 9.5 रुपए। क्यों? क्योंकि 50 पैसे तो सीधा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा कॉस्ट सुन के जज्बाती मत होना, इस कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। आप सोचोगे सर फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्या बोल रहे हो सर, आपकी कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हमको कॉस्ट प्रॉफिट में। तो बेटा फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया, फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था एंटरप्रेन्योर, और उसको फैक्टर इनकम क्या मिल रही थी, प्रॉफिट। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जिन भी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो जाके हमारी पहले वाली क्लास देखो, सीक्वेंस वाइज आओ, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। आइए हम मार्केट प्राइस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, दैट इज 10 रुपीज। एंड फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट टू पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, 9.5 रुपीज। एंड वॉट यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस, ये बेटा ये सारे फॉर्मूले हमारे जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं। मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट 9.5 रुपए प्लस 50 पैसे टैक्स को जोड़ेंगे। एंड फैक्टर कॉस्ट बेटा कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे दूसरे हाथ से करके पकड़ लो, एक ही बात है, फैक्टर कॉस्ट अगर निकालनी है तो मार्केट प्राइस माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को 10 रुपए में से इसको, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस माइनस योर फैक्टर कॉस्ट, ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो या एक याद कर सकते हो और उससे बाकी के दो फॉर्मूले बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों, ये थी हमारी क्लास नेट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे डेप्रिसिएशन, और उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे NFIA, और फिर आप देखना कि आपके नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स कैसे इजीली सॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच।